हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस बिहेवियर, और अगर आप लोग प्राइस के बिहेवियर को समझोगे तो ही ट्रेडिंग आपके लिए इजी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है बैंक निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट, यानी कि ये है आज का चार्ट। और आज के चार्ट में, आज का चार्ट मतलब इस हफ्ते का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बैंक निफ्टी का ये जो हो चुका है, ये बैंक निफ्टी किस तरह से रिपीट करता है, क्यों रिपीट करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट रिटेलर्स को क्या देता है, क्या लेता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आपको रियल प्राइस एक्शन को सीखना है, एडवांस मेथड सीखने हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट टाइप सिनेरियो बनाता है, यहाँ पे भी रीटेस्ट टाइप सिनेरियो बनाता है, रीटेस्ट करके इस तरह से जाएगा। ये हो गई 99.9% लोगों की एक्सपेक्टेशन, लेकिन क्या ये 99% लोग मार्केट को चला रहे क्या? बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जो आप एक फास्ट मोमेंटम देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये किसको, किसके लिए था? क्या ये मेरे लिए था? क्या ये आपके लिए था? क्या ये ऑपरेटर्स के लिए था? क्या ये बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए था, क्योंकि रिटेलर्स ने सीखा हुआ है इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर निकलेगा तो बाय करना। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल समझकर ये सिखाया होगा कि हाँ रीटेस्ट होगा तो बाय कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस लोगों को क्या पता है कि मार्केट ब्रेकआउट देगा और रीटेस्ट करेगा तो बाय कर लेना, राइट? लेकिन मार्केट हमेशा एक कदम आगे होता है। तो सबसे पहले मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन को समझ लो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस सिचुएशन को समझ लिया होगा। अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ कितनी बार पहले हो चुकी है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, राइट? मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद फिर से, क्या आप यहां पे देख पा रहे हो कि मार्केट ब्रेकआउट देता है फिर रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट पे आके ऊपर जाने के जैसा बताता भी है, लेकिन मार्केट मुझे 2 दिन बाद कहां पे दिख रहा है? मार्केट तो मुझे यहां पे दिख रहा है, जिसके नीचे जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स थे, जितने भी ऑप्शन बायर्स थे, जितने भी ऑप्शन सेलर्स थे। ठीक है, एक मिथ मैं आपका क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलर्स फ्री का पैसा कमाते हैं, बहुत ईजिली पैसा कमाते हैं, और ऑप्शन सेलर्स कभी गलत होते ही नहीं। तो मैं आपको टिप देता हूं यहां पे। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ब्रेकआउट के बाद, इस रीटेस्ट के बाद नीचे के पुट सेल करना चालू कर दिया ऑप्शन सेलर्स ने। पुट क्यों सेल करता है कोई भी इंसान? जब मार्केट ऊपर जाएगा उसको लगेगा। तो सेटअप तो यहां पे पुट सेल करने वाला ही बना है, यानी कि एक बुलिश सेटअप ही बना है यहां पे कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मुझे बताइए, 2 दिन बाद किसी ने अगर 200 रुपए में, 300 रुपए में नीचे के पुट सेल किए होंगे, 100 रुपए में सेल किए होंगे, तो उनकी प्राइस जब मार्केट यहां पर चल रहा होगा कितनी होगी? समझ रहे हो आप कितनी होगी? 2 टाइम्स 3 टाइम इजीली यहाँ पे लॉस में दिख रहे होंगे यहाँ के पुट सेलर्स। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी अगर आपका डायरेक्शन गलत होता और आप चाहे ऑप्शन सेलिंग कर लो, चाहे ऑप्शन बाइंग कर लो, तो भी लॉस होगा। और अगर डायरेक्शन सही है तो चाहे ऑप्शन बाइंग कर लो, चाहे ऑप्शन सेलिंग कर लो, प्रॉफिट होगा। छोटा या बड़ा वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट जरूर होगा। और मैं अपने चैनल पे, अपने कोर्सेस में, अपने जहां पे भी जो भी मैं टीचिंग देता हूँ वो सिर्फ डायरेक्शनल बेस्ड देता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन बायर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स में फास्ट मोमेंटम कैसे कैप्चर करना है ऑप्शन बायर्स के लिए, उसके ऊपर यहाँ पे, मतलब जो कोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों उसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि मैं सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग सिखाता हूँ, मैं रियल डायरेक्शन को किस तरह से, डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ना ही मैं स्ट्रैडल सिखाता हूँ, ना ही मैं स्ट्रैंगल सिखाता हूँ, ना ही मैं इंडिकेटर सिखाता हूँ, ना ही मैं ब्रेकआउट रेटेस वाली चीजें सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का बिहेवियर आपने देख लिया, क्या ये आपको सिमिलर बिहेवियर नहीं लग रहा क्या? इस तरह से इन्वर्टेड टाइप पैटर्न बना दिया, ब्रेकआउट होने के बाद दूसरे दिन मार्केट बहुत नीचे चला गया तेजी से। ठीक है, ये तो हो गया एक बार मैंने बताया। अब इसकी डेट में अगर बता दूं तो 23 मई 2022। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे वीडियो स्टार्ट होती है और एंड में भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हाफ वे में आपको एक टिप दे देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट जैसा बताया। क्या ये सिमिलर सिचुएशन नहीं है जो पहले मैंने आपको सिचुएशन बताई थी और जो आज बैंक निफ्टी ने किया है? एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ तक होंगे, राइट? बाइंग साइड तो लोग चले गए होंगे, पुट सेल कर दिया होगा। तो यहाँ पे जैसे ही लोग निकल जाते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, यानी कि लोग ये समझते हैं कि हाँ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है,
यहाँ पे वो लोग एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करते ही मार्केट उनके फेवर में जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब टिप यहाँ पे ये है कि मार्केट का एक नेचर है, ठीक है, जिन्होंने भी बीच तक वीडियो को देखा होगा उनको ये इंपॉर्टेंट टिप मिलेगी, जो स्टार्टिंग में एग्जिट कर देंगे उनको नहीं मिलेगी। मार्केट का एक नेचर मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द नेचर है, ठीक है, ये होल एंड सोल नहीं है लेकिन ये मार्केट का वन ऑफ द नेचर है। मार्केट को एक आदत है, क्या आदत है पता है? वो आदत है रिमूविंग वीक हैंड्स। अब रिमूविंग वीक हैंड्स वाली आदत क्या है एग्जैक्टली? रिमूविंग वीक हैंड्स वाली ये आदत है कि जितने भी लोग ब्रेकआउट पे आ जाते हैं, जितने भी लोग मार्केट के डायरेक्शन में आ जाते हैं, ऑलरेडी ट्रेड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट को ऊपर जाना है लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट बता दिया, तो मार्केट क्या करता है, पहली बार जितने भी रिटेलर्स को इन्वाइट किया है उनको पहले रिमूव करता है, उनको निकाल देता है, वो लोग एग्जिट कर दे, उनके स्टॉप लॉसेस सेट हो जाए, वो लोग लॉस बुक कर ले, और फिर मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, क्यों ऐसा करता है मार्केट, मार्केट को कौन चला रहा है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को क्या चाहिए, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिटेलर्स। इसके डिटेल में तो हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी कोर्सेस वगैरह सब कुछ बन चुका है अपने चैनल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको सीरियसली डिटेल में सीखना है तो ही ज्वाइन करना, और हमको अगर बहुत दिनों से फॉलो करते हो तो ही ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो मैंने फैक्ट्स आपको बता दिए कि जो टिप है रिमूविंग वीकेंड्स वाला पॉइंट याद रखना, मार्केट हमेशा क्या करता है, पहले ब्रेकआउट तो देता है लेकिन एक मूव ऐसा जरूर आता है जो आपके एसेलेट करता है, जो आपको रिमूव करता है, जो आपको मार्केट से निकाल देगा, आपके स्टॉप लॉस से सेट कर देगा, आप लोग सोचोगे कि आपने गलत ट्रेड ले लिया, और फिर मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे भी मार्केट ने सेम बिहेवियर किया था, क्या दो ही बार, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो आपको बोला कि ये तो बहुत बार रिपीट करता है। ये देखिए यहाँ पे सिमिलर चीज फिर से हो चुकी है, ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ये क्या था, रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट पे आके फिर से एक अप मूव बताता है, लेकिन फिर से मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन खुलता है। अब मुझे बताइए इस रीटेस्ट पे यहाँ पे इस अप मूव में बाय करने वाले लोग, अगर इतना मार्केट नीचे खुल जाता है, अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा तो आपको अगर मजाक लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक चेक करते सिर्फ 500 पॉइंट्स नेगेटिव है, ठीक है, सिर्फ यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, किसी ने तो यहाँ पे भी बाय किया होगा, चलो और भी नीचे से काउंट करते हैं, मान लेते हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे उसने बाय किया, तो क्या 400 पॉइंट तक वो होल्ड कर पाएगा, ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी किसी ने बाय किया, तो क्या 400 पॉइंट नेगेटिव कोई देख पाता है, चाहे पोजिशनल हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, चाहे फ्यूचर्स ट्रेडर हो, चाहे ऑप्शन बायर हो, नहीं देख पाएगा। मार्केट का ये नेचर ध्यान में रखना रिमूविंग वीक हैंड्स वाला, और मार्केट ये कौन से पैटर्न्स रिपीट कर रहा है ये चीज भी याद रखना, पैटर्न्स लोग दीवारों पे कौन से लगाते हैं, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, राइट, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये इस तरह का राइट शोल्डर, कुछ ना कुछ पैटर्न्स इस तरह की दीवारों पे लगा लेते हैं, लेकिन रियल में मार्केट क्या फॉलो करता है, रियल में मार्केट फॉलो करता है अपने बिहेवियर को, और ये है एडवांस्ड प्राइस एक्शन एंड सीक्रेट, ठीक है। इसके बारे में कोई ना ही आपको बताएगा, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में, अपने चैनल छोड़ के आपको कोई भी चैनल पे ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे भी फिर से मुझे क्या दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है जो लोगों ने दीवारों पे लगा लिया है, जो रील्स में वायरल होता है, लोग बोलते हैं यहाँ पे एंट्री करो, फिर रीटेस्ट पे एंट्री करो, नीचे एसएल लगाओ, राइट, ये चीज़ सभी ने देखी होगी, लेफ्ट शोल्डर, राइट हेड, और ये राइट शोल्डर, एंटर हियर, स्टॉप लॉस हियर, टारगेट हियर, है ना, इस तरह से लोग लगा लेंगे, और ये लगाने के बाद फिर मार्केट उनको क्या दे रहा है, मार्केट तो उनको एसेलेट कर दे रहा है, मार्केट उनको रिमूव कर दे रहा है, क्यों ऐसा करता है मार्केट, कितने बार करता है, क्यों करता है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में भी बता रखी है, और कोर्सेस तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें अपने चैनल पर लाइव ट्रेड करके बताए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना, लाइव ट्रेडिंग करके मैं बताता हूँ, और सेकेंडली मेरा तो कोर्स ही लाइव ट्रेडिंग वाला है, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर ट्रेड करके मैंने सिखाया हुआ है अपने कोर्सेस में, और यूट्यूब पे भी अगर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाते हो आप तो प्लेलिस्ट में माय ट्रेड्स वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाली प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, मैंने किस तरह से अकाउंट ग्रोथ किया है, कितनी बार मैंने ज़ेरोधा के 60 डे चैलेंज जीते हैं बैक टू बैक, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे माय ट्रेड्स वाली वीडियो है, आप यहाँ ये देख सकते हो, लाइव बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन है, तो सब कुछ लाइव। और एक चीज़, यहाँ पे लाइव सेक्शन में जाओगे तो ट्रेड प्लान यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, इस सीरीज में भी मैं आपको होने से पहले ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका था। और ये जो बैंक निफ्टी का नेचर है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एंटर कर लिया था टॉप में सेल साइड, इतना पूरा मूव तो हम कैप्चर नहीं कर पाए, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, जितना मेरा टारगेट आता है 1:2 का वहां पे मैं बुक कर लेता हूं, तो ये ट्रेड भी मैंने लाइव ट्रेड ऑलरेडी ले रखा है, उसकी भी वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, ये वाली सीक्रेट पैटर्न इन बैंक निफ्टी माय ट्रेड लॉजिक, इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे खत्म नहीं होती है वीडियो, ये आपने देख लिया, एक और बार मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट ये देखिए, लास्ट जो अभी अभी हुआ है, सिमिलर है,
है ना। तो मई 2022 से कितनी बार अभी तक मार्केट ने सेम पैटर्न को, सेम बिहेवियर को रिपीट किया, ये चीज आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर से जाने का बताया, लेकिन मार्केट ने क्विकली डाउन साइड का मूव कर दिया क्योंकि मार्केट के पास नीचे बहुत सारे सेलर्स थे। ठीक है, अब एंड तक देखने वालों को एक टिप बता देता हूँ, मार्केट कैसे चलता है, ट्रैप ट्रेडिंग पे चलता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या है, एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग कब होगी, जहां पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल है, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली इस ब्रेकआउट में, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट वाला सेटअप बताया हुआ है तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस कौन से साइड अवेलेबल होंगे, ऑब्वियसली नीचे, तो मार्केट कौन से साइड जाना पसंद करेगा, नीचे साइड जाना पसंद करेगा मार्केट, राइट। तो अब एक और टिप मैं दे देता हूं, ऐसा क्यों होता है, क्यों मार्केट यहां पे ट्रेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट यहां पे क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन है, जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, कुछ लोग होते हैं जो रीटेस्ट पे बाय करते हैं, नंबर वन। दूसरे लोग होते हैं, मार्केट जब ऊपर गया है तो बहुत सारे सपोर्ट्स मार्केट ने बताया है, ये दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, तो हर सपोर्ट पे आके, ये सपोर्ट यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हर सपोर्ट पे ये देखिए, ये सपोर्ट था एग्जैक्टली इस लेवल पे आके मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली इस लेवल पे आके फिर से मार्केट ने सपोर्ट लेने के जैसा बताया और सपोर्ट पे बायर्स को इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है। अब मार्केट ने जहां जहां से ग्रीन कैंडल बनाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसको सिंपली ना लास्ट में एक्सटेंड कर लो, लास्ट तक आपको जरूर यहाँ पे कोई ना कोई एक सपोर्ट दिख जाएगा, ये देखिए एग्जैक्टली, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये क्या है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, ये यहां से सपोर्ट लिया था, यहां से सपोर्ट लिया था, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी जोन पे आके क्यों यहां पे ग्रीन कैंडल बनाया, सपोर्ट पे बायर्स को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, सपोर्ट पे बायर्स आएंगे, नीचे एसएल लगाएंगे, तभी तो मार्केट और नीचे जा पाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, कब मार्केट किसको ट्रैप करता है, कौन से ट्रेंड में कौन ट्रैप होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, अगर आप लोगों को समझ में आया है ये कंसेप्ट और आप मानते हो कि हाँ यही चीजें रियल प्राइस एक्शन है, एडवांस प्राइस एक्शन है, तो कमेंट जरूर कर देना, और ऐसी वीडियोस और चाहिए तो लाइक जरूर कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।